بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون مڑ مڑ کے دھونائیں ہتھانو کدی من بھی اپنا تھو لیا کر इन्हें हासे आबिद चंगे नहीं कदी कलियां बैठ के रो लिया कर तिसला रहमी बीज है नेकियां दा ए बीज कदी तू बोलिया कर मतलब होवे ते हो लैने कदी बिन मतलब भी हो लिया कर फितरती तौर ते इंसान थोड़ा जा मतलब परस्त होता है मतलब हुए सलाम दुआ रख दे मतलब हुए ते मिलन वर्तन रख दे मतलब हुए ते आउन जान रख दे मतलब नहीं ते कुछ भी नहीं बंदा ते फिर बंदा है कोई मझ गां दूध देना छड़ देवे ना तो इंसान उन्हें छुरी थल रख के तो को छड़ दे ते बोटियां बना छड़ दे कि ये हुण किसे काम दी नहीं रही वो घर च को पुरानी लकड़ी दी मंजी या पलंग पिया होए ना जेदे ते बंदा बवे ते साथ साथ तो आवाजा देवे ते बंदा उन्हें अग ला के ते फूक देंदा है भी ये हुण किसे काम दी नहीं रही थोड़ी मतलब परस्ती है इंसान इंसान दा बहुत ज्यादा भला करदा गधा भार चुकदा है वजन चुकदा है कई ऐसे माड़े तबके दे लोग ने कि उन्हां दा जरिया माश ये कि सारा दिन शहर के अंदर उन्हें गधा गाड़ी चला के तो शाम को अपने बच्चों की रोजी बनानी तो जट जिमीदार तो बड़ा ही जानते ने ना कि उन्होंने पठे दत्थे घर का सारा माल डंगर का जिन्ना चारा है वह सारा गधे की तो लद्दिया जाता है बड़ा मतलब देता इंसान नूं ते जो मतलब मुक जाता है ना तो इंसान उन्हें धुप्पे बन छड़दा है पानी पियाया पियाया ना पियाया ना पाया छावें कीता कीता नहीं तो धुप्पे ही खड़ा रहन दिता कुछ चारा पै गया नहीं तो बेचारा भुखा ही खड़ा है
इंसान दा इन्ना भला करदा है, लेकिन इंसान उहदे तों नफरत करदा है। किसे बंदे नूं गधा कह दिओ ते गल पै जांदा है। ते शेर ने कदी इंसान दा फायदा नहीं कीता। इंसान दा जानी दुश्मन बल्कि खूनी दुश्मन, चीर फाड़ कर दे जे इंसान उहदे सामने आए। ते इंसान हर वेले शेर शेर ही करदा फिरदा, शेर शेर। दुआ करो अल्लाह पाक मैनू और तुहानू मतलब परस्ती तो महफूज फरमाए। पर दो मतलब परस्त बंदे जेड़े ने ना, वो अल्लाह नू भी चंगे नहीं लगदे ते अल्लाह दे हबीब नू भी चंगे नहीं लगदे। एक मतलब परस्त जिहड़ा अल्लाह नाल मतलब परस्ती करदा है, अल्लाह दे मामले दे अंदर मतलब परस्त है। किवें मतलब परस्ती करदा है? अल्लाह पाक दी जात नाल, अल्लाह पाक नूं दा नक्शा कुरान पाक अंदर जिक्र कीता है। मेरे घर तुसां दी पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नादन होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فرمایا جب بندے اُتے کو غم آندا ہے، کوئی تکلیف آندی، انسان کو دکھ آندا ہے، कोई परेशानी लायक हो जाती है तो फिर की करदा है? दाना सानू याद करदा है, साडा नाम लैंदा है, बार बार साडा जिक्र करदा है। ली जम भी ही लेटियां लेटियां लाला कीती जांदा है, औकायदन बैठियां बैठियां लाला कीती जांदा है, चलता फिरदा हल्ला करदा है। कदों तक? जदों तक गम ते मुसीबत दा गलबा रहा, ते जदों शबे गम गुजर गई, जदों परेशानी दे दिन लंघ गए, ते फिर की करदा? मर्रा मर्रा फिर सानू भुला देंदा है, मर्रा फिर साढ़े तो बेगाना हो जाता है। किवें? कालम यदुना इला दुर्रिम मसा, जिमें किते मुश्किल दे वक्त असी इहदे काम ही नहीं आए, जिमें असी मुश्किल दे वक्त इहदा साथ ही नहीं दिता, इंज साडे तो बेगाना हो जांदा है। जिमें सानू जानदा ही नहीं, सानू पहचानदा ही नहीं। अल्ला अल्ला, स्कूल यूनिवर्सिटी दे तालिब इलमां नूं नहीं वेख्या तुसीं? एग्जाम नेड़े आ गए ने, पेपर नेड़े आ गए ने, परचे करीब आ गए ने, इम्तिहाना दे दिन आ गए ने, सिर ते टोपी धर लईए, हाथ विच तस्बीह फड़ लईए, ते जनाब मसीत मन लईए, फजर भी मस्जिद अंदर, जोर भी मस्जिद अंदर, असर भी मस्जिद अंदर, मगरब ते शाह भी जमात नाल, बल्कि मौलाना नू कहिंदा चाबियां भी मैनू दे दिओ, अज़ाना भी मैं क्या करांगा। 15-20 दिन चंगियां नमाज़ां पढ़ियां, चंगा अल्लाह पाक नू याद कीता, चंगा अल्लाह पाक दा जिक्र कीता, अज़ाना भी कहिंदा रहा, मस्जिद ते जनाब पैसा धेला भी देंदा रहा। 15-20 दिनों तो बाद मौलाना जमात करवा रहे ने, ते गाने दियां बातां दियां ने, नमाजी परेशान पैंदे ने। खरे केड़ा बंदा है जिन्हों फिक्र ही कोई नहीं अल्लाह पाक दे बंदियां दा? नमाज तो बाद पुछिया है कौन है, ते पता लगा है ओही बियां दिनां दा नमाजी है,
कोई मुसीबत परेशानियां औखे दिन आ गए, औखे दिन लंघ गए, परेशानियां लंघ गईयां ते रब दा नां छड़ दिता, वेला मुसलमान बन गया, खोखला मुसलमान बन गया, वेला दिया वेला दिया। जिवे बंदा घड़ी तो दूरों वेखे ना, सैल मुकया वे घड़ी दा, दूरों घड़ी लगती है, नेड़े जाके वेखो घड़ी लगती है। जिवे केले दा छिलका दूर पिया होए, दूरों केला लगता है, नेड़े जाके वेखो वेला लगता है। इंज वेले जे मुसलमान, इवें खाली जे मुसलमान, इवें नाम दे मुसलमान रह गए। दुआ करना अल्लाह नाम दा नहीं, अल्लाह सानू काम दा मुसलमान बना देवे। ना वरण की बन, ना चुन चुन के रखने ते कम करने, ना मुसलमाना वाले कम शैताना वाले है। अल्लाह अल्लाह नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। वक्त तुझको नहीं बंदगी के लिए, हक से गाफिल है तू जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा, एक और मुकाम सुनिए। अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमांदे ने, हो वल्लजी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरीना बिहिम बिरीहिम तय्यिबतिन। अल्लाह पाक फरमांदे, अल्लाह दी जमीन ते सब तो वड्डा मतलब परस्त मुशरक, मुशरक तो वड्डा कोई मतलब परस्त नहीं। सब तो गंदा, सब तो पलीत, सब तो लहीर, सब तो बड़ा मतलब परस मुशरक बंदा, शिरक करने वाला किवें करदा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, अल्लाह पाक फरमांदे ने, इंज दे मुशरक बंदे जदों दरिया अंदर जांदे ने, किश्ती अंदर बह जांदे ने, ते किश्ती चलण लग जांदी है, ठंडियां ठंडियां हवावां लगदियां ने, ते बटन खोल के इंजॉय करदा है, अपने विंगे चीरदा पफ, कदी इधर नूं करदा है, कदी इधर नूं करदा है, ते बड़ा जनाब इंजॉय करदा है। अल्लाह फरमांदे ने, फजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, अचानक जनाब धुंध हवावां चल पईआं, ते हर पासों तूफान आ गए, ते किश्ती डोले खाण लग पई, ते किश्ती डुबण लग पई ना। अल्लाह फरमांदे ने, फिर साजन वादे करन लग जांदा है, बैठा कर लग जांदा है। अल्लाह सोहणिया, मेरी करोड़ वार तौबा ते मेरी लख वार तौबा, अज मैनू बचा लै, मैं नमाजा नहीं छड्डांगा, अज मैनू बचा लै, ते मैं कदी भी कबर ते सजदा नहीं करांगा। लाहिना अन जईता ना मीना हादगी, ऐ मौला करीमा जे किते तू मैनू अज बचा लेना, ते मैं पक्का पक्का तेरे दर दा पुजारी बन जावां, ते मैं कदी किसे गैर वल ना जावां। अल्लाह फरमांदे ने, ते जदों असीं निजात दे देने आ, जदों जनाब असीं बेड़ा बन्ने ला देने आ, ते फिर कदी इत्थे सजदा करदा, कदी उत्थे करदा है। कहदा मैं जाके बाबे फरीद देख दे के आवांगा, अली अजमेरी दे दरबार से बकरा करके आवांगा,
जनाब शबाद लाल कलंदर दे दरबार ते जाके धमाल पा के आवांगा, सैयद दे गिट्टे चुमांगा ते शाह दी गड्डी दे टायर चुमांगा। अल्लाह ने अल्लाह वल्लो मतलब मुक गया है ते रब दा दर छड़ दित्ता, बेगाना हो गया वड्डा सब तो वड्डा मतलब परस्त। हालां इंज होना नहीं चाहिदा, होना किवें चाहिदा है? गम आवे तां रब दे गीत गाइए, सुख आवे तां रब दे गीत गाइए, हर हाल अंदर अपने रब नूं राजी करिए, तुहाडा नाम लईए। अल्लाह अल्लाह तारी छड़ के रब दे दर भरेगा, तारी छड़ के रब दे दर भरेगा, किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, ओ जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, ओ जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, किसे गैर दा दर खटकाइए क्यों, ओ जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, ओदी जात सिर्फ ला सानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है, ओदी जात सिर्फ ला सानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है, ओ जदों खालिक मालिक गोवे, ओ जदों खालिक मालिक गोवे, दर दर ते सर नू झुकाइए क्यों, ओ जदों खालिक मालिक गोवे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना मेरी गर तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतहर अनवर दे नाज़रन वाला कुरान सुन लो। फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दअना लिजंबिहि अव क़ाइदन अव क़ाइमन लिजंबिहि كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ايه پہلا مطلب پرست اللہ پاک سانو انج دی مطلب پرستی تو بچا کے رکھے اونچی لاوی نا ते दूजा मतलब परस पता केड़ा है? अल्लाह दे बंदियां नाल मतलब परस्ती करदा है, अल्लाह दी मखलूक नाल मतलब परस्ती करदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, दूजा मतलब परस्त हो बंदा अल्लाह दे बंदियां नाल मतलब परस्ती करदा है। मतलब होवे ते फिर मिलदा है, मतलब होवे ते फिर सलाम लैंदा है, मतलब होवे ते फिर इज्जत करदा है, मतलब होवे ते फिर तू तकरार ते बोल बुला भी रखता है। अल्लाह बल्कि मतलब परस बंदे आते हैं मुसाला बनाई हुई ने आखे मतलब होवे ते कदे नु भी प्यो कह लेना चाहिदा है। जिहड़े मतलब परस बंदे ने तेरी गल्लां बनाई हुई ने ना जदों पैसे लेने होवन ना उदों कहिंदा तू मेरा प्यो, मेरे प्यो दा भी प्यो, अगों दा भी प्यो, ते जदों वापस करने आउण फिर इंज तंग करदा है जिवें ना फरमान पुत्र तंग करदा है, फिर इंज टेंशन दिंदा है दिंज नखरे करदा है, जिवें जनाब अकलोता पुत्र तंग करदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, एडा मतलब परस बंदियां नूं नहीं होना चाहिदा। नबी के करीम अलैहि सलातो सलाम दा फरमान सुनिए, नबी पाक फरमांदे ने कियामत दे करीब लोग एडे मतलब परस हो जाणगे जिहदे नाल वाकफियत नहीं ओहदे नाल सलाम ही नहीं लैणगे। मतलब होएगा ते सलाम, जानदा होएगा ते सलाम, वाकफियत होएगी ते सलाम, जानदा कोई नहीं ते सलाम कोई नहीं, वाकफियत कोई नहीं ते सलाम कोई नहीं, मतलब कोई नहीं ते सलाम कोई नहीं। अल्लाह जानदा तुहाडा ते चलो तबका दुनिया दा, साडा दीनदार आला तबका भी इहदे अंदर भी मतलब परस्ती
ਸਜਣ ਬੜੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥਿਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਸੇ ਤੇ ਸਜਣਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜਲਸੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਹਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜਲਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗਲ ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਇਆ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦ ਜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਿੱਬੁਲ ਉਲਮਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਬਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੂ ਕਰਨਾ ਗਦਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਰਾ ਨਬੀ ਜੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਮ ਹਮਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਨਬੀਅਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਨਵਾਕਫੀਅਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰੱਬ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਜਨਾਬ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਚੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਏ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਮ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਪੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਲੋਕੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਖੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰਾ ਕੰਮ ਖੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਜਦ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗਦਰਾ ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤੀਬ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਗਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾ ਫਿਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ
हजरत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो बुढ़े हो गए ना पूरे वाले वाले जमात वाले आख्या हुण बाबे नूं फारग कर देंगे हुण बाबे दी तूती काम नहीं कर दी ते बाबे कोल बोलिया नहीं जांदा हुण आपां को चंगा होर को खतीब लैके आईए अल्लाह अल्लाह ते बाबा जी नूं पता लगना ते बाबा जी ने इन्नी सारियां मच्छियां टाफियां लैके ते जनाब मस्जिद दे बुगे दे के कपड़ा डा के बह गए हर बंदा वे ते पुछे बाबा जी ये की कर दे हो बाबा जी ये की कर दे हो हर मरदे ने मसीतों ते कढ़न लगे हो हुण गोड़ियां टाफियां बेच के गुजारा करने आखिर अपने बच्चों का पेट भी दे पालना है कई जमातां एडियां मतलब परस्त हुंदियां ने अल्लाह को दुआ करो ना अल्लाह पाक मतलब परस्ती तो बचा के रखे अल्लाह जानता है बड़े बड़े दुनिया ते मतलब बरस पै ने दस बच्चे आफत बन गया ने दस बच्चों कुरान पाक विद कर लिया है वड्डी सारी कॉन्फ्रेंस करवाई गई है ना ते दसां बच्चों नूं चिट्टे सूट पाए गए ने चिट्टे रुमाल दे के बिठाया गया है उन्हां दे गलां विच फुल्लां दे हार पाए गए ने ओ जिहड़े हाफज बने ने उन्हां दे कपड़े चिट्टे ने उन्हां दे विचों खुशबूं आ रहियां ने ते जिन्हें हाफज बनाया है वो चारा परा कुर्सियां सीधियां पिया करदा है वो जिन्हें नानू तराश के हीरा बनाया है वो बेचारा उत्थे परा रुलदा फिरदा है पसीने दी बदबू अंदर लगा फिरदा है वो लोगो दुनिया एडी मतलब परस्त हो गई है ना हे वेखो ना हाफज पुत्र बन गया है ते कारी साहब नू पुछदा ही कोई नहीं जिन्हें हाफज बना दिता है ओदी कदर को करदा ही कोई नहीं ओनू को पुछदा नहीं हाल चाल नहीं ओदा पुछ हालांकि चाहिए वे स्टेज उत्ते को सोहनी जी कुर्सी होनी चाहिए वो कुर्सी फुल्लां नाल भरी होनी चाहिए उस कुर्सी दी उस कारी साहब नूं बिठाना चाहिए सिर उत्ते कुल्ले वाली पग बननी चाहिए उहदे गल विच हार पाने चाहिए ने हर बंदा आवे कारी साहब नाल सलाम लवे ताकि लोगों नूं पता लगे कि ओ हीरा है जिन्हें दस हीरे तराश दिते ने यो आलिम है जिन्ने दस आलिम नमे बना दिते ने यो चराग है जिस चराग तो दस चराग हो रोशन हो गए ने कम हो गए ते नूर मुहम्मद ना हो गए इस वक्त तुसीं तुरदियां फिरदियां दुकानां ते बैठदियां उठदियां शेर पढ़ना है ताकि तुहानूं याद रहे कि राती उकाड़े तो आया परौणा तुहानूं की दस के गया है कम हो गए ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा हो कोई नहीं यार सजन ते बेली जद कम हो जावे पूरा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मठियाई दा डब्बा लै गया है जाके भैन दी जनाब पैरां दे विच अपनी पग सुट दित्ती है पग सुट के हाथ बन के कहिंदा नहीं मेरी ये भैण ये गुजरां वाले दे फलां बाजार अंदर जिहड़ी तेरी हिस्से दी दुकान आई है जड़ी तेरे हक दी दुकान है तेरा ही आके है तेरा ही आके पर मैनू दे दे इत्थे भरा डाकू बन के जा ए भरा नहीं है डाकू दे ओ डाकू गन्ना लैके जांदे ने ए भरा भैन नूं सेव दे के ते भैन कोल हक खोण गया है ए वीर नहीं है डाकू बन के गया है ना नहीं मेरी ये भैन मेरी भैन भैन मेरी छोटी भैन मेरी लाडली भैन ते मैनू दे दे ना फलानी दुकान जड़ी मेरे जनाब तेरे हक तेरा ही है ते मैनू दे दे जे हां कर दे वे ते ठीक है जे ना कर दे वे ते फिर जनाब पग सिर ते रखदा है मुंह भुस भैन सजा लैंदा जिवें सुज भड़ौदा आउंदा है ते भैन नूं कहिंदा तू मेरे लई मर गई मैं तेरे लई मर गया अज तो बाद मैं तेरे तो मर गई ते मैं तेरे जनाजे ते नहीं आना मैं मर जावां ते मैं अपने पुत्रां नूं कह देना है इहनूं मेरी
मंजी हाथ भी ना लाण दिया जे ये मेरे बिलकुल करीब भी ना आवे गादी तो भैण है मेरी एडी वड्डी दाड़ी है जनाब मौलाना साहब दी एडी वड्डी दाड़ी है हाजी साहब दी पांच वक्त दा पक्का नमाजी है पर भैण नाल नहीं बोलदा क्योंकि भरा नहीं मतलब परस्ती करदा है ना नमाज पढ़न जांदा है जिस गली विच लंघ के उस गली विच भैण दा घर है रब दे घर जांदा है भैण दे घर नहीं जांदा पीरो के मतलब परसोया पिया है ईद वाले दिन निके निके बच्चों नूं लभ के रुपये दस दस दिंदा फिरदा ते सिरां ते हाथ दिंदा फिरदा है पर जालम दा हाथ नहीं आया अपनी भैण दे सिर ते नहीं आया एडा मतलब परस हो गया है हाला भैण बेचारी ईद दे दिहाड़े थोड़ा जिहा दरवाजा खोल के खलोती हुंदी है शायद जी मेरा वीरा मेरे घर आ जाए ते मेरे सिर ते आके दस्त शब्द रख देवे लेकिन यारो इत्थे दुनिया ते बड़ी मतलब परस हो गई है मैं तुहाडे गेका दा रोवां तुसीं मेरे गेका दे रोवो इत्थे ते भरा भरा नहीं रह गए इत्थे ते भरा भी मतलब परस बन गए ने इत्थे ढिड्डो जम्मे भरा भी मतलब परस्तियां करन लग पए ने फिर मैनूं बार बार कहना पैंदा है कम होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा कम हो जावे पूरा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दरा हजरात दे दीवाकार गौर कर दे जाना दरा नबी के करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान आलीशान नोट कीजिए सही मुस्लिम दी रवायत है अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने की फरमाया है हद्दसना मोहम्मद बिन मैमून قال حدثنا حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بعض قال حدثنا سلمة بن حماد قال عن 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 رافع عن ثابت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يوم القيامه ان الله عز وجل يوم القيامه يا ابن آدم یا بنا آدم مرض تو فلا داؤد نہیں نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک ابن آدم کو بلان گے اللہ پاک فرمان گے یا بنا آدم اے آدم دے پترا مرض تو میں بیمار ہو گیا سا تو میرا پتہ ہی لین نہیں آیا تے بندہ کو کہے گا کیف اعوذ کا وانت رب العالمین اللہ جی تسی رب العالمین ہو میں پتہ کیویں تہاڈا پتہ لے سکنا وا تے تسی بلا کیویں بیمار ہو سکدے ہو اللہ پاک فرمان گے میرا فلا بندہ بیمار ہویا تو میرے بندے دا پتہ لین واسطے گیا ہی کوئی نہیں کون پتہ لیندا ہی بیمار دا اے کون پتہ لیندا ہی دکھیاں دا کون پتہ لیندا ہی پریشانیاں وچ گھریا ہویا دا ایک بیمار دا پتہ لین جائیے ٹائم ضائع کریے اوتھوں فروٹ لے کے جائیے پیسے ضائع کریے اودے کول بہ کے پھر گھنٹا بو سکیے کادی ضرورت تے جان دی بچ گیا تے ملدا رہے گا مر گیا تے خون آ جائے گا تے جا کے جنازہ پڑھ لواں گے ہائے ہائے انج نہیں کرنا چاہیدا او لوکو میں گلاں تاں انجیاں کرنا وا میں گلیاں علماء کرام دا سکنا وا جڑے علماء کرام بیمار ہو گئے مچیاں تے چار پائیاں تے لیٹے لیٹے مر گئے دنیا تو چڑے گئے لیکن اسی انہاں دا پتہ لینا بھی گوارا نہیں کیتا انہاں دا حال چال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیتا حافظ عبداللہ شکوہی رحمت اللہ علیہ دے بارے ایک بابا میں نے موڑ کھنڈے ملے آئے آئے میں حافظ صاحب دا پتہ لین گیا جنہ دن اندر حافظ صاحب بیمار سن نا میں پتہ لین گیا نا حافظ صاحب کوئی دنے کتوں آیا ہے میں آکھا جی میں موڑ کھنڈے جو آیا ہاں اچھا تے دس نا موڑ کھنڈے جو ہور کوئی وا بھی نہیں رہ گیا اور کوئی وا بھی نہیں موڑ کھنڈے دے اندر جنوں پتہ ہوے کوئی حافظ عبداللہ بھی ہوندا سی کوئی اور بھی ہے تے مینوں دس نا میں کلا تینوں یاد رہیا ہے اور کسے نوں میرا نام یاد نہیں رہیا اور کسے نوں حافظ عبداللہ یاد نہیں رہیا حضرات تے جی وقار ہے اے تے ساڈیاں بے وفائیاں نے اللہ 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 اتنیاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں اتنیاں مطلب پرستیاں چنگیاں نہیں مطلب پرست ختم کرو نا
मतलब परस्ती अपने दिल विचों कढ़ दियो ना अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुखलिस हो जाओ ना मिलिए गिलिए इखलास नाल तुहाडा साडा ताल्लुक इंज बन जाए जिवें जनाब मुहाजरीन अंसार दा ताल्लुक है तुहाडा साडा रिश्ता इंज जुड़ जाए जिवें अल्लाह दे पैगंबर ने मुआफात कायम कर दित्तियां जिवें मेरे पैगंबर ने नबी पाक दे यारां ने आपस अंदर रिश्तेदारियां बना लईयां चाहीदा ते जिवें के साडे ताल्लुकात इंज दे बन जाण अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां आओ मेरे मोहतरम दाइयो अपने दिलां दे विचों नफरतां खत्म करके करीब करीब ते नेड़े नेड़े हो के एक दूसरे दा भला करन वाले बन जाइए एक दूसरे दा ख्याल करन वाले बन जाइए नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो दुनिया वाले हो अल्लाह पाक उस बंदे नूं फिर फरमाणगे मेरे बंदिया मेरे बंदिया दसना मेरे बंदिया मैनूं भुख लगी सी तां मैनूं खाणा क्यों नहीं खिलाया रैगो बंदा कहेगा अल्लाह सोणिया तुहानूं किवें खाणा खिलांदा वां रब अलामीन है अल्लाह फरमाणगे मेरा फलां बंदा भुखा सी ना मेरे बंदे नूं खाणा क्यों नहीं खिलाया कदी कीता जे पता भुखियां दा कदी बेफिकर कीता जे भुखियां दा कदी ख्याल कीता जे भुखियां दा इत्थे पराठो वाला दावत करे ते पराठो वाले नूं बुलांदा है ग्रैंडी वाला दावत करे ते ग्रैंडी वाले नूं बुलांदा है महल वाला दावत करे ते महला वाले नूं बुलांदा है माड़े नूं कौन बुलांदा है माड़े नाल मतलब कादा है माड़े ने देना की है इस वास्ते माड़े नूं कौन पुछदा है वड्डियां वड्डियां नूं अपने दस्तरखान ते बुलांदा ते गन मैना नूं कहिंदा है कोई माड़ा बंदा जनाब है कोई जनाब चढ़ ना सके पौड़ी तो जिहड़ा धक्के मार के परां कर दे आ जे बकरा उहनां नूं खवांदा है जिहड़े बकरा खा खा के कट्टे बने पए ने जनाब कट्टा उहनां नूं खवांदा है जिहड़े कट्टे खा खा के ऊठ बने पए ने उहनां नूं खवाण दा कमलिया की फायदा पर जिन्ना दिओ जर पहले एडे एडे वड्डे होए पए ने खा खा के इत्थों ना खाणा है उठ जाके खट्टे डकार मारने ने नाले कहना सही नहीं बनया सही नहीं बनया सही नहीं बनया उहनां नूं खवाण दा की फायदा है कमलिया उहनूं खवा जिहदे बच्चे रोटियां तों तरसदे पए ने उहनूं खवा जिहने साल च कदी बकरा नहीं खाधा उह जदों खाएगा ना उह मूंह च दुआवां दियाणियां ने उहदे ढिड दियां अंतड़ियां वी तैनूं दुआवां देणगियां उह दुआवां अरशे बरी ते जा टकराणगियां करो मेहरबानी तू महले जमी पर अल्लाह मेहरबान होगा अरशे बरी पर नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक फरमान के ओए मेरे बंदिया ओ इब्ने आदम मैनू त्रे लगी सी मैनू प्यास लगी सी ते मैनू पानी क्यों नहीं पिलाया अल्लाह सुनिया तुहानू किवें मैं पानी पिलांदा हर मैं फिर मेरा फला बंदा प्यासा सी ना क्यों नहीं पिलाया मेरे बंदे नू पानी क्यों नहीं पिलाया मेरे बंदे नू पानी अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां इत्थे जे प्याणा वी है ना अल्लाह जानदा है ऐसा दौर आ गया है दो रोटियां दी भी इत्थे कम मज कम कीमत एक सेल्फी है दो रोटियां दी भी कम मज कम कीमत एक सेल्फी तो बगैर ते दो रोटियां भी कोई नहीं दिंदा भरा जी इत्थे ते किसे यतीम नूं ते गरीब नूं कोई अद्धा किलो घिओ भी बगैर सेल्फी तो नहीं दिंदा ओ यारो इत्थे ते बेवा औरतां जिहड़ियां ढाई ढाई तीन तीन घंटे लैण च लगण उहनां नूं भी दो ढाई किलो घिओ कोई देवे ते सेल्फी लैंदा है एडी दुनिया मतलब परस्त हो गई है ते कुछ नहीं जे लभदा ओ बुरी औरत है फाहिशा औरत है कुतिया दा इक बच्चा है पानी नाल बिलकदा पिया है उहने पानी प्याया है कोई मतलब ही नहीं ओनू की करना है ओदे कोल की मतलब लेना है कुतिया दे बिल्ले ने की मतलब देना है लेकिन अल्लाह पाक नूं एडा चंगा लगा फरमाया ए तू मेरी मखलूक ते रहम कीता ओ तैनू एदे ते रहम आया सानू तेरे ते रहम आ गया ओ कुतिया दे बच्चे नूं पानी पिया के जन्नत जांदी पई है क्योंकि उहने बगैर मतलब तो पियाया ते इधर की है अजाल तुम सफायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम ए हाजियां नूं पानी पिलाण लै दे ते है मतलब परस्त दे ना मुवाहद ने ना इना कुल तौहीद दे बल्ले बल्ले मकसूद है हा 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 मकसूद है लाला लाला मकसूद है ओ कुतिया दे
बच्चे नूं पानी पिला के अल्लाह दी रहमत दी हकदार बन गई। इहा दियां नूं पानी पिला के किसे काम दे ना रहे, क्यों? उहनूं मतलब कोई नहीं सी, इहनां दे दिल विच मतलब परस्ती सी। मतलब परस्त बंदे दी किते ढोई नहीं। अल्लाह पाक सानूं मुखलस बना दे, खालिस बना दे। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा जमाना, सिद्दीक दा नबी नल सब तो बुलंद यराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा जमाना, बेटी सिद्दीक दीए बीवी हबीब दीए, वेखो नबी दा खादिम सिद्दीक दा घराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा जमाना। बस जब पिछे लुकमे दी जाओ है आ तैनू शान सुनावा शाना, पीर दियां बदर मुनीर दियां, कसम खुदा दी अकीदा साडा सुचाए, सारियां इमामा तो इमाम साडा उचाए, ओदे कदमा बिच रुल जावा शाना, पीर दियां बदर मुनीर दियां, आ तैनू शान सुनावा शाना, पीर दियां बदर मुनीर दियां।